शनिवार रात रतलाम के पास नामली बाईपास पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल नामली फायर लेन पर आगे चल रहे ट्रक से एक टैंकर टकरा गया, जिससे टैंकर का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। वहीं इस हादसे में ड्राइवर व क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें तत्काल हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। वहीं लोगों ने फायर ब्रिगेड को भी इसकी सूचना दे दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। क्या हुआ है और क्या है घटना? घटनाक्रम यह भैया, हम लोग चाय पी रहे थे, आगे एक ट्रक थी जो स्लो चल रही थी, वो स्लो साइड में पार्किंग करना चाह रही थी। पीछे से टैंकर आया, टैंकर ने उसमें जबरदस्त भिड़त की है, उसमें अंदर साथ कोई तार वार स्पार्किंग हुआ, तार स्पार्किंग होने से उसमें हल्की सी चिंगारी निकली। इस बीच हमने दौड़ के चालक और परिचालक को बाहर निकाला, दोनों गंभीर अवस्था में थे, थोड़ा मतलब उनको लगी थी चोट, लगी थी बेहोश की हालत में, उनको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद टैंकर को हम थोड़ा सा आगे खिंचवाया ट्रक की मदद से, और गोकुल होटल के संचालक ने पानी की व्यवस्था की और उसमें वहाँ के जो सारे कर्मचारियों ने पानी डाल के उसकी आग को बुझाया, जो आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी। कोई भी फायर ब्रिगेड वगैरह नहीं पहुंची थी, उसमें सारे लोकल लोगों ने पानी डाल के उस आग को बुझवाया। कहाँ गए वो घायल लोग? अभी घायल लोगों को हमने एम्बुलेंस में बिठवा के उनको जिला अस्पताल भिजवा दिया। कितने जने थे ये? दो लोग थे। उनको कोई आग से कोई हानि वगैरह? आग से कोई हानि नहीं है, आग उनको निकालने के बाद लगी थी।